डियर स्टूडेंट्स, अंतरराष्ट्रीय राजनीति विच जो शीत युद्ध चलिया 1947 तो लैके 1991 तक, उसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति ते राज्यां दे आपसी संबंधां ते मनुखी जीवन ते बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पाए। कुछ प्रभाव इस तरह के ने जिहड़े शीत युद्ध के खत्म होने नाल उह प्रभाव भी खत्म हो गए हैं, ते कुछ प्रभाव इस तरह के भी हैं जिहड़े सानूं अजे तक भी विखाई दे रहे हैं। इस क्वेश्चन विच असीं अध्ययन करांगे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति ते जां मनुखी जीवन ते कुल मिला के शीत युद्ध ने किहड़े किहड़े प्रभाव पाए हैं। पहला प्रभाव कहा जा सकता है शीत युद्ध का कि जो टैंपरेरी प्रबंध सी अस्थाई प्रबंध सी दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने तो बाद वह प्रबंध स्थाई प्रबंधा दे विच बदल गए, क्योंकि जिहड़ी जेतू धिर सी जिसनों मित्र शक्तियां कहा जाता सी जिस विच अमरीका फ्रांस यूके अते USSR शामिल सी, युद्ध दे खत्म होंदे ही यह धिरां ने जिहड़ियां आपस दे विच अलग अलग हो गईयां। यह राज दो ग्रुपां दे विच वंडे गए, पूर्वी ब्लॉक अते पछमी ब्लॉक, भाव USSA की अगवाई वाला ब्लॉक और USSR की अगवाई वाला ब्लॉक। इसलिए जिहड़े टैंपरेरी प्रबंध किए फॉर द टाइम बीइंग वह प्रबंध अगे नहीं लिजाए जा सके, उन्होंने होर सुधार नहीं किए जा सके, और जिहड़े प्रबंध तुरंत किए गए से उही प्रबंध ने जिहड़े बहुत सारे राज्यों के शीत युद्ध के खत्म होने तक चलते रहे। इसकी असी एक उदाहरण ले सकते हाँ, जर्मनी की वंड। जर्मनी क्योंकि हारे हुए राज्यों के एक सी, युद्ध तो बाद जर्मनी दी जेतू राजा ने आपो अपने कब्जे वाले हिस्सों दे विच वंड कर ली। एक हिस्सा USA नूं आया, एक फ्रांस नूं, एक इंग्लैंड नूं अते एक USSR नूं। परंतु यह प्रबंध तो अस्थाई सी, नाल दी नाल शीत युद्ध शुरू हो गया, इसलिए यह अस्थाई प्रबंध आ जिहड़ा एक तरह नाल स्थाई लगभग स्थाई प्रबंध ही बन गया। जिहड़े तीन राज सी जेतू राजां दे विचों अमरीका फ्रांस अते इंग्लैंड, इन्हां ने अपने हिस्से दे जर्मन नूं इकट्ठा करके एक जर्मन की स्थापना कर दित्ती जिसनों फैडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी कहा जाता है या पछमी जर्मनी कहा जाता है। जिहड़ा दूसरा इलाका से जिहड़ा सोवियत संघ के हिस्से आया, सोवियत संघ ने उसनों वक्रा ही रखा, तो उस खेत्र के GDR या जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना कर दी। जिहड़ी यह वंड है यह शीत युद्ध के खत्म होने तक 1990 तक यह इस तरह कायम रही। दूसरा मुख्य प्रभाव है विश्व की दो विरोधी गुटों के वंड, क्योंकि दो वड्डियां शक्तियां सी जिहड़ियां सोवियत संघ अते USA, बाकी राज्यां दा आर्थिक खेत्र दे विच सैनिक खेत्र दे विच इन्हां राज्यां दे नाल इन्हां शक्तियां दे नाल कोई मुकाबला नहीं सी। विशेष करके जिहड़े राज नवें सुतंत्र हो रहे सी एशिया दे अफरीका दे, जिन्हां दी आर्थिक हालत कमजोर सी, जिथे इंडस्ट्री दा बहुत माड़ा हाल सी, जिन्हां दी जिहड़े सैनिक पक्षों बहुत कमजोर सी, उन्हां दी मजबूरी बन जांदी सी कि उन्हां नूं किसे ना किसे ब्लॉक दे नाल मिलना पैंदा सी, जां USA दे ब्लॉक नाल मिलना पैंदा सी जां USSR दे ब्लॉक नाल मिलना पैंदा सी। इस तरह शीत युद्ध दे कारण पूरे विश्व दी जिहड़ी वंड है उह दो हिस्सों दे विच, दो विरोधी गुटां दे विच हो गई। इत्थे जिहड़े नीले रंग दे नक्शे दे विच सानूं एरिए खेत्र दिखाई दे रहे हन, इह इन्हां नूं पछमी धड़े दे खेत्र कहा जा सकदा है, अमरीका दे धड़े दे खेत्र कहा जा सकदा है। जिहड़े लाल रंग नाल दिखाई दे रहे हन उन्हां नूं पूर्वी धड़े दे जां सोवियत संघ दे धड़े दे खेत्र कहा जा सकता है। विश्व दी क्लीयर कट डिवीजन होई रही जिन्ना चिर शीत युद्ध चलता रहा। शीत युद्ध कारण हथियारां दी अन्नी दौड़ शुरू हो गई, हर राज दे विच होड़ लगी कि वध तों वध हथियार इकट्ठे किए जाण, अपने हथियारां दी मारू समर्था नूं वधाया जावे, अते सब तों ज़्यादा मारू समर्था वाला हथियार मन्निया जांदा सी परमाणु हथियार अटोमिक बंब। हर राज की कोशिश होंदी सी कि छेती तो छेती अटोमिक बंब है जिहड़ा उसकी प्राप्ति की जाए, अटोमिक तकनीक प्राप्त की जाए। 1945 दे विच जदों USA ने पहली बार अटोमिक बंबा की वरतों की जापान के दो शहरों से नागासाकी ते हीरोशिमा ते, तो दुनिया के बाकी राज्यों ने भी अपनी पूरी वाह ला दी अटोमिक पावर नूं अटोमिक टेकनीक नूं प्राप्त करने लई। छेती ही फिर सोवियत संघ ने 1949 दे विच, इंग्लैंड ने 1952 दे विच, फ्रांस ने 1960, चीन ने 1964 दे विच परमाणु तकनीक प्राप्त कर ली। इस तो बाद भारत ने 1974, पाकिस्तान ने 1998, उत्तरी कोरिया ने 2006 दे विच परमाणु तकनीक प्राप्त कर ली। इजराइल है जिहड़ा इस दे जिहड़े परमाणु प्रोग्राम ने बिल्कुल सीक्रेट ने, ना इजराइल यह मानता है कि परमाणु हथियार नहीं हैं साडे कोल, ते ना ही यह डिकलेयर करता है कि साडे कोल परमाणु हथियार हैं, कदों बनाए हैं वह भी क्लीयर नहीं है। भाव शीत युद्ध के दौरान वक्खो वक्खरे राज्यों के हथियारों की अन्नी दौड़ लगी, तो ये सब तो ज़्यादा झुका से जोड़ा वह परमाणु हथियारों प्राप्त करने।
ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਗਠਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਨਿਕ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਨੌਰਥ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 1954 ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ USA, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਕੰਟਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਤੁਰਕੀ, ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਿਕ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਧੜੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਨਿਕ ਗਠਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ USSR ਨੇ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਵਾਰਸਾ ਪੈਕਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ USSR ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਨਿਕ ਗਠਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਕੁਛ ਰਾਜ ਬੜੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰਜ਼ ਲੜੀਆਂ, ਭਾਵ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ USS ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਧੜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ USA ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਿਸਦੇ ਗੁੱਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ, ਭਾਵ USSR ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ USA ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਸਟਰਸ ਕੋਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸੈਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ USSR ਦੇ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਅੱਠਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਲੁਕਵਾਂ ਲਾਭ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਮਾਰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਡ ਜਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅਸ਼ੋਰਡ ਡਿਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰਸ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ USSR ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ USA ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਦੋਨੇ ਪਾਵਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई जिसका मुख्य ऑब्जेक्टिव सी दुनिया के शांति कायम रखना। यूनाइटेड नेशन का एक अंग है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की मुख्य तौर पर जिम्मेवारी है कि उसने पहला पहचान करनी है कि विश्व शांति में कोई खतरा है, जो पहचान हो जाती है फिर उसने कार्रवाई करनी है, तो वह फौजी कार्रवाई तक सैनिक कार्रवाई तक भी कर सकती है दुनिया के पीस में मेनटेन रखने। परंतु जिहड़ी यह सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई सी ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली तरीके नाल काम नहीं कर सकी शीत युद्ध के दौरान, क्योंकि इसते जिहड़ा डिसीजन लैण का प्रोसैस है वह यह है कि 15 दे विचों घट्टो घट 9 मैंबर भी सहमत हो जे किसी राज के खिलाफ जिसने शांति भंग की है, जे उस राज के खिलाफ कोई मता पास करना है, कोई सैनिक कार्रवाई करनी है यूनाइटेड नेशन के झंडे थले, तो घट्टो घट 9 मैंबर सहमत होने चाहिए हैं तो उस राज के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की जा सकती है। तो 9 मैंबर के कंडीशन आ कि जो 5 परमानेंट मैंबर ने, 5 परमानेंट मैंबर ने सिक्योरिटी काउंसिल के, USSR, UK, USA, फ्रांस और चीन, ये 5 मैंबर सहमत होने चाहिए ने तो किसी राज के खिलाफ मता पास किया जा सकता है। ये जो 5 परमानेंट मैंबर ने यह क्योंकि शीत युद्ध चल रहा है, जो 2 मुख्य मैंबर से इन्हों के USSR और USA वो एक दूसरे के विरोधी से, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की कार्यशीलता के रुकावट पाते रहे हैं, क्योंकि जे एक भी परमानेंट मैंबर किसी फैसले ते नो कर दिंदा सी, नो वाले पासे आ जांदा सी, तां ओह जिहड़ा मता ओह पास नहीं हो सकता सी सिक्योरिटी काउंसिल दे विच। इसलिए जेकर USSR दे किसी समर्थक राज दे खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हुंदी सी तां ओह मते नूं वीटो कर दिंदा सी, USA दे किसी मते समर्थक दे खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हुंदी सी तां ओह मते नूं वीटो कर दिंदा सी। इस तरह जिहड़ा इह इहनां दा अंदर कलेश सी दो वड्डियां पावरां दा, उसने यूनाइटेड नेशन नूं, यूनाइटेड नेशन दी सिक्योरिटी काउंसिल नूं असीं कह सकदे हां कि अपंग बना के रखिया। इस समय दौरान बहुत सारा तकनीकी विकास होया, दोहां महाशक्तियां दे विच होड़ सी एक दूसरे तो अगे लंघण दी, पुलाड़ दा बहुत अंदा वध तों वध एक्सप्लोर करन दी, वध तों वध सैटेलाइट भेजण दी, वध तों वध मशीनरी पुलाड़ दे विच फिट करन दी, नवें नवें रॉकेट्स बनाए गए, नवें नवें सैटेलाइट्स बनाए गए, इस नाल बहुत ज़्यादा तकनीकी विकास होया। बेशक यह सारा तकनीकी विकास है जिहड़ा यह सैनिक उद्देश लई कीता जांदा सी, परंतु जिहड़ा यह तकनीकी विकास उस समय होया उसका केवल सैनिक खेत्र दे विच लाभ नहीं होया, उसका सानू आम लाइफ दे विच भी, आम जीवन दे विच भी लाभ हुण तक मिल रहा है। विशेष करके जिहड़े सैटेलाइट्स उस टाइम, सैटेलाइट्स की टेक्नीक उस टाइम डिवेलप की गई, सैटेलाइट्स छड्डे गए, उन्हां दे नाल इनफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जोड़ी गई, IT उस नाल जोड़ी गई, तो उसका एक नतीजा असं कह सकते हैं कि अज दुनिया भर के जो सैलूलर फोन ने वह कम कर रहे हैं। इस तरह जो तकनीकी विकास है वो वक्रे खेत्र बहुत ज़्यादा होया, बेशक वह उद्देश तो सैनिक हों परंतु नॉन मिलटरी परपज लिए भी इसका लाभ सूँ मिल रहा है। इन जो प्रभाव पे ने इनका अध्ययन करने बाद असी इस सिटे पर पहुँच सकते हाँ कि शीत युद्ध का समा पूरे विश्व लिए बड़ा खतरे वाला समा, बड़ा कष्ट वाला समा रहा है। वड्डियां शक्तियां ने पहला जर्मनी, फिर वियतनाम और फिर होर बहुत सारे राज्यों को जिथे भी कितने शीत कितने कोई घरेलू युद्ध होता सी अफगानिस्तान को अपने युद्धों का अखाड़ा बना के रखा है। इसके कुछ लाभ भी असी गिने हैं, परंतु वो जो लाभ ने वह उन्होंने असी जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि शीत युद्ध बड़ा खतरनाक समा सी। जे इन्ने क लाभों के लिए असी कहने कि शीत युद्ध ठीक है तो वह साड़ी सोचनी गलत होगी, क्योंकि शीत युद्ध ने सानू इस तरह का समा दिखाया है जो किसी छोटी जी गलती नाल भी दुनिया खत्म हो सकती सी। इसलिए बेशक छोटे छोटे लाभ शीत युद्ध के विचों प्राप्त हुए हैं, परंतु कुल मिला के शीत युद्ध है जिहड़ा दुनिया लई कष्ट का समा रहा है, दुनिया लई शराप का समा रहा है। इसलिए 1991 दे विच शीत युद्ध खत्म होने तो बाद असी कह सकते हैं कि पूरे विश्व ने सुख का साह लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड लक।